हेलो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हो जूनागढ़ जिले से यहाँ पे हमारे पास बॉक्स आया हुआ है, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने आपको दिखाने के लिए दोस्तों यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक दो यहाँ पे आपको सारा बॉक्स दिखा देता हूँ, और ये पाँच, और यहाँ पे देख सकते हो ये सात बॉक्स यहाँ पे आया हुआ है। तो अभी मैं इसे साइड में रख देता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, स्टेप बाय स्टेप सभी रिसीवरों को यहाँ पे जो बॉक्स है उसे हम रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहले तो आपको दिखा देता हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम, तो यहाँ से देखिए अभी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स ऑन कर दिया है लेकिन रेड लाइट में है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करता हूँ। तो अभी यहाँ पे मल्टीमीटर ले लिया है, क्योंकि लंबा बहुत वीडियो जाएगा, तो सात बॉक्स रिपेयर करना है एक साथ। तो दोस्तों यहाँ पे ऑन कर लिया है, तो 5 वोल्ट में ले देख लेता हूँ फटाफट से। तो 5 वोल्ट ओके बन रहा है, तो यहाँ पे देखूँ तो 3.3 वोल्ट ये भी ओके, यहाँ पे 1.8 वोल्ट ये भी ओके बन रहा है, तो यहाँ पे 1.1 वोल्ट ये भी दोस्तों ओके, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट ये भी ओके, तो यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट ओके, फिर भी यहाँ पे देख सकते हो रेड लाइट में। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा दूंगा, ज़्यादा बॉक्स है तो इसका सॉफ्टवेयर हमें करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पे करता हूँ सॉफ्टवेयर। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे रख देता हूँ, और चलते हैं अभी हमारा कंप्यूटर टेबल पे। तो अभी दोस्तों फाइनली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आईसी को मैंने अच्छी तरीके से बिठा लिया है। अभी यहाँ पे RT8098F को रन कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये हमने बैकलाइट और यहाँ पे LED का ये टेबल बनाया है, जो आने वाला दिनों है उसमें LED का सभी कार्ड, और यहाँ पे देखिए बैकलाइट हमारा अभी नहीं आया है, लेकिन कुछ दिन में बैकलाइट और बैकलाइट ड्राइवर और LED का कोई भी मदरबोर्ड हो और MPG4 का कार्ड तो अवेलेबल है, लेकिन NK का भी हो जाएगा दोस्तों। तो अभी यहाँ पे देखिए, तो चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है, तो इसे रीड कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक ही सॉफ्टवेयर करके दिखाऊंगा, और दूसरा सॉफ्टवेयर का इशू यहाँ पे रहेगा तो मैं सॉफ्टवेयर करके डायरेक्ट चालू करके दिखाऊंगा, क्योंकि लंबा वीडियो चला जाएगा इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ, और अभी यहाँ पे मेरा जो सॉफ्टवेयर है एच ड्राइव में MPG4, और यहाँ पे 15.0T, तो उसका वर्जन यहाँ पे है, तो ये वाला सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। तो कार्ड में ये वर्जन है 1.3, यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे ओके हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 12 वोल्ट अभी इन कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए तो देता हूँ, तो यहाँ से ऑन किया तो सभी वोल्टेज पहले प्रॉपर चेक करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज तो प्रॉपर आ रहा था, तो यहाँ पे एक बार देखता हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख सकते हो, और यहाँ पे टीवी स्क्रीन में भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप टीवी स्क्रीन में देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे केबल लगा लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, तो दूसरा यहाँ पे इसे निकाल लेता हूँ और तीसरा बोर्ड ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इसे मैं साइड में रखता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बल्क कन्वर्टर लगाया हुआ है। पहले तो हम यहाँ पे कोई शॉर्टिंग वगैरह है या नहीं ये देखना पड़ेगा उसके बाद में, क्योंकि कन्वर्टर भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे देखता हूँ, तो हमारा शॉर्टिंग तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये पूरा यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है। तो अभी क्या करता हूँ, AIC को पहले बाहर निकलता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे देखता हूँ। तो ये शॉर्टिंग रहेगा तब भी ऐसा प्रॉब्लम बनेगा, और AIC भी ख़राब हो सकता है। तो अभी दोस्तों
देखिए आईसी तो यहाँ पे ज़्यादा हीट है, हीट कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसे रखता हूँ। तो अभी एक बार यहाँ पे शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग दूर हो गया। तो यहाँ पे SPF पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे भी दूर हो चुका है। तो अभी दोस्तों मेरे पास यहाँ पे IC एक नया निकल लेता हूँ। तो यहाँ पे पहले 5 वोल्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद में IC को यहाँ पे इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों 5 वोल्ट में यहाँ पे प्रेजेंट होके मिला, तब हमें IC डालना है। तो अभी कर दिया है ऑन। ऑन करने के बाद यहाँ पे देखो तो 5 वोल्ट ओके है। तो अभी यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ, और ऑफ करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट लगा लेता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे IC मैंने नया निकल लिया है। और आप भी MPG4 बॉक्स रिपेयरिंग में भेजना चाहते हो या नया IC लेना चाहते हो तो हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे प्रॉपर बिठा लिया है, तो उसे ठंडा होने देते। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे ऑन करता हूँ और ऑन करके वोल्टेज को पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे प्रॉप को मुझे रखना पड़ेगा, और यहाँ पे करते हैं अभी चालू। देखिए तो वोल्ट तो बन गया, तो ओके है। तो यहाँ पे आप देखिए डिस्प्ले पे, और यहाँ पे फटाफट से लगा लेता हूँ AV कोड। और यहाँ पे आप TV स्क्रीन में देख सकते हो। यहाँ पे जो आ रहा है तो उसका पॉइंट ख़राब है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। और दूसरा भी बोर्ड ले लेते हैं, और ऑडियो म्यूट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये हमें यहाँ से दूसरा सॉकेट या बदलना पड़ेगा, या कास कागज़ से आप साफ कर देंगे तो ओके हो जाएगा दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल इसे मैं रखता हूँ साइड में, तो एक दूसरा बोर्ड यहाँ पर ले लेता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक दूसरा बोर्ड ले लेता हूँ, लेकिन पहले तो यहाँ पर शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। शॉर्टिंग हमारा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ये मल्टीमीटर थोड़ा सा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑन कर दिया है, और वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे 5 वोल्ट की जगह पे देख सकते हो कितना वोल्ट, 2.4 वोल्ट। तो पहले तो ये IC को ओपन करना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे IC को फिलहाल निकल लेता हूँ, और मैंने IC जो आया था 100 पीस वो ख़त्म हो गया है 16 का, और 2 दिन में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बक कन्वर्टर लगाएंगे दोस्तों। तो अभी यहाँ पे इसे रख देता हूँ, और अभी दूसरा 5 वोल्ट यहाँ पे यहाँ से देता हूँ उसे। तो अभी दोस्तों यहाँ से ऑन करता हूँ, 2 वायर मैंने लगा लिया है पहले, 5 वोल्ट ओके है। तो ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी दोस्तों यहाँ से कर देता हूँ ऑन, तो अभी भी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो IC यहाँ पे देखता हूँ, तो इसे भी चेक करना पड़ेगा 5 वोल्ट तो पहले यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ऑन करके 1.1 वोल्ट मिल रहा है, ये देखना पड़ेगा। फिर ज़्यादा मिला तो IC भी ख़राब हो सकता है। देखिए तो ज़्यादा मिल रहा है, IC ख़राब है, लेकिन यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारी IC यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसे बाहर निकलता हूँ। बोर्ड में क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज बन जाता है, ड्रॉप होने लगता है, तब तब ऐसा प्रॉब्लम बनता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे अभी देखता हूँ। तो यहाँ पे हमारा देखिए अभी ठंडा होना देना पड़ेगा। शॉर्टिंग दिखा रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो अभी दोस्तों यहाँ से ऑन कर देता हूँ, तो 1.2 वोल्ट यहाँ पे देख लेता हूँ। तो दोस्तों
इससे ऑन नहीं होगा तो हमारा मेन आईसी खराब है। तो यहाँ पे अभी मैं कर लेता हूँ, देखिए तो अभी यहाँ पे एक बार ऑन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों, और यहाँ पे टीवी स्क्रीन में फटाफट से दिखा देता हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी 3 बॉक्स है, तो यहाँ पे टीवी स्क्रीन में आप देखिए, तो आप देख सकते हो आपके सामने। तो इसे यहाँ पे आप देखिए, इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि बक कन्वर्टर इसलिए लगाया कि आईसी में बाद में दूसरा बिठा दूंगा उसमें। तो अभी इसे फटाफट से यहाँ पे निकलता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। अभी लेता हूँ दूसरा बॉक्स ले लेता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो दूसरा यहाँ पे बॉक्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसा मैंने पावर दिया तो रेड लाइट में है, तो अभी प्रॉपर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा दोस्तों कि कहाँ पे हमारा वोल्टेज मिसिंग है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करता हूँ, ओके है 3.3 वोल्ट, ये भी ओके है 1.8 वोल्ट, ये भी ओके है तो 1.1 वोल्ट, ये भी ओके है तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट, तो देखिए ओके। यहाँ पे देखो तो ये वोल्ट भी ओके है। तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल आईसी को बाहर निकलता हूँ और करता हूँ सॉफ्टवेयर। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको लंबा वीडियो चला जाएगा, सॉफ्टवेयर करके दूसरा आईसी यहाँ पे बिठाता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर पहले कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे देखिए लगा लेता हूँ पहले, तो सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पे इसमें हो गया है। तो आगे देखेंगे उसमें, अभी आईसी को ठंडा होने देता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए आईसी को मैंने बिठा लिया है, तो अभी यहाँ से ऑन करता हूँ, देखिए ऑन कर दिया। तो यहाँ पे फिर भी अभी एक बार मैं यहाँ पे देखिए सोल्डिंग यहाँ पे अच्छी तरीके से कर लेता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे, तो अभी हमारा यहाँ पे डिस्प्ले तो नहीं आ रहा है, तो अभी देखता हूँ कि यहाँ पे हमारा पिक्चर बनता है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, तो हमारा यहाँ पे पिक्चर बन चुका है। तो हमारा बॉक्स में जो डिस्प्ले है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, तो ये वायर में। तो अभी दोस्तों यहाँ पे जो डिस्प्ले है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमें सॉल्डरिंग कर देना है क्योंकि यहाँ पे लूज कॉन्टेक्ट रहेगा तब ही हमारा डिस्प्ले ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, तो देखिए आपके सामने पूरा डिस्प्ले आ चुका है। तो अभी यहाँ पे देखिए दूसरा सॉफ्टवेयर लगाया है, तो अभी ऑन हो रहा, ऑन होने के बाद यहाँ पे आपको, तो अभी दोस्तों इसे भी यहाँ पे साइड में रख देता हूँ और यहाँ पे दूसरा एक बोर्ड। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ पे मैंने जो है वो ले लिया है। तो अभी हमें यहाँ पे देखिए एक मैंने फ्लैश आईसी यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऐड करके रखा है, तो यहाँ पे मैंने जो उसका पॉइंट है अभी ट्रैक जोड़ा है। तो अभी मैं यहाँ पे देखिए फ्लैश आईसी यहाँ पे है, तो अभी देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अभी लगा के चेक करना पड़ेगा होगा या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आयरन से इसे बिठाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे फ्लैश आईसी अच्छी तरीके से बिठा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो उसका वायरिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी दोस्तों यहाँ पे फाइनली अभी चेक करते हैं,
यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बॉक्स यहाँ पे हमने आपको दिखा देता हूँ 12 वोल्ट करके। देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने आईसी को बिठा लिया है। अभी यहाँ पे हमारा पोर्ट लगा लेता हूँ और करता हूँ ऑन। तो अभी इसका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर दूसरा है और इसका मैं सॉफ्टवेयर कर लूँगा पहले, जो ये डिस्प्ले हमारा यहाँ पे आएगा। नहीं दोस्तों, नहीं है। और अभी टीवी स्क्रीन में देखता हूँ, तो टीवी स्क्रीन में दोस्तों हमारा यहाँ पे दूसरा मैंने इनके का सॉफ्टवेयर डाला है, तो उसका यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली अभी देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए बोर्ड हमारा बॉक्स है ऑन हो गया है। तो दूसरा इसमें मैं सॉफ्टवेयर कर दूंगा तो ओके हो जाएगा। तो अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।